हरे कृष्णा राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हों, एकदम ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी हो रहा है मॉर्निंग का समय, तो अभी बज रहा है टाइम सुबह के 6। तो 5 बजे उठ गई थी। उसके बाद घर में एक बार झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैंने कर तो अपना नहाना धोना, तो ब्रश वगैरह करके नहा धोकर तैयार हो चुकी हूँ। और मुझे जाना है मंदिर, तो आज हम जाएंगे शीतला माता के मंदिर। और देखिए सुबह, तो हम शीतला माता के मंदिर जाएंगे। यहाँ पर ही है, पास में ही है। तो अभी आकर बहुत सारा काम भी करना है, क्योंकि आज घर की थोड़ी सी सेटिंग सी चेंज करेंगे। और सारा सामान कई दिन से ऐसे ही बिखरा पड़ा है, तो आज पूरा घर क्लीन करना है। और ये देखिए सुबह सुबह में हरियाली कितनी अच्छी लगती है, वो देखिए सामने। और ये देखिए यहाँ पर सुबह का नज़ारा कितना सुंदर लग रहा है। तो सुबह सुबह में हरियाली देखना और दूसरे को दिखाना तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर अभी 6 बज रहे थे, तो मैं ऊपर चली गई थी क्योंकि कुछ कपड़े भी थे मेरे सूखने डालने के लिए। कल धोए थे शाम के समय में होली वाले, तो वो कपड़े भी सूखने डाल दिए। और यहाँ पर दिखा रही थी, देखिए कितनी अच्छी लग रही है सारी हरियाली। और इस टाइम पर सुबह के समय में ऊपर छत पर घूमने में और सब कुछ देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर देखिए अभी भी चाँद निकला हुआ था, तो यहाँ पर अभी सूरज तो निकला नहीं था, तो इस वजह से जल वगैरह भी नहीं चढ़ाया। तो हम पहले मंदिर से हो आएंगे, उसके बाद हम जाएंगे छत पर जल चढ़ाने। तो यहाँ देखिए अभी मैं नीचे जाऊँगी फटाफट से, क्योंकि ये नहा लिए होंगे, तो चलिए फिर नीचे चलते हैं। गए होंगे नहाने, तो गई थी नहा धोकर तैयार। और घर में सिर्फ अभी झाड़ू लगी, अब क्योंकि बच्चे भी सो रहे हैं, तो बच्चे जब उठेंगे बाकी क्लीनिंग वगैरह, तो अभी तो बच्चे सो रहे हैं और झाड़ू लगा दिए, तो आकर देखते हैं क्या करेंगे। तो फटाफट से नहा लेंगे और उसके बाद हम चलेंगे मंदिर। तो चलिए आप सभी को भी लेकर चलते हैं आज मंदिर। तो देखिए यहाँ पर हम चल दिए हैं मंदिर की तरफ। तो यहाँ पर फटाफट से हम इनने भी नहा लिया था, तो हमने किचन में अपना थोड़ा सा काम था जो करके और दोनों चल दिए थे मंदिर। और ये देखिए रास्ते में इन्होंने वीडियो शूट कर ली और मुझे पता भी नहीं चला, तो मैंने कर दिए। और यहाँ पर फटाफट से यहाँ पर मंदिर पहुँचने के बाद देखिए ये हमारी देवी माता है। तो यहाँ पर इन गाँव को हम जल चढ़ाने आए थे, तो ये 7 देवी माता होती हैं और इनकी कृपा से सब कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए इन सब माताओं को हम जल चढ़ा देंगे अच्छे से। और जल वगैरह चढ़ाने के बाद ये देखिए यहाँ पर लगा जा रहे थे। आज मंदिर में इतनी भीड़ भी नहीं थी और सुबह का समय था, इस वजह से अभी कोई आया भी नहीं था, तो बहुत ही कम लोग थे, इसलिए हम फटाफट से जल्दी आ गए थे कि ज़्यादा भीड़ इस टाइम में नहीं मिलती, तो फटाफट से जल वगैरह चढ़ाकर हम जल्दी से भी जाएंगे। और यहाँ पर देखिए मैं लेके आई थी थोड़ी सी शक्कर भोग के लिए, क्योंकि अभी ये वैसे भी शीतला माता के व्रत में हमारे यहाँ पर बासी रोटी का व्रत होता है, तो बासी रोटी वगैरह बनाई जाती है और वो भी नहीं था। तो ये एक महीना पूरा माता पे जल चढ़ाया जाएगा, इस वजह से हम यहाँ पर जल। देखिए अभी हम आ चुके हैं मंदिर से, और मंदिर से आने के बाद मैंने घर पे पूजा कर ली थी और कान्हा जी को भी नीला धुला कर तैयार कर दिए। और अभी बनाऊँगी मैं चाय, तो यहाँ पर सबके लिए चाय बनाऊँगी और कान्हा जी के लिए कर लूँगी दूध गर्म, तो उनके लिए दूध गर्म कर लेती हूँ और फटाफट से अपने लिए सबके लिए चाय बना लेती हूँ। तो आज कल लोग गेसेस करते हैं, तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। और देखिए यहाँ पर हम बना रहे थे चाय वगैरह, तो आप तब तक देखिए एक क्लिप। तो एक क्लिप है होली वाले दिन की, तो होली वाले दिन ये बच्चे वगैरह चले गए थे अपने पापा जी के साथ घूमने, तो यहाँ पर रंग वगैरह लगा हुआ था इनके सबके, और ये यहाँ पर घूम रहे थे और देखिए कितनी मस्ती कर रहे थे। तो ये गए थे अपने दोस्त के यहाँ पर, तो उनके यहाँ पर इन्होंने होली की पार्टी इंजॉय की थी वहाँ पर। और ये यहाँ पर आ गए थे देखिए छत पर, यहाँ पर ये होली में अपना फटाफट देखिए चले गए थे सारे। तो घर में कोई भी नहीं था, इस वजह से घर में मैं और मम्मी अकेले ही थे, तो हमने अपना खाना वगैरह बनाकर सो गए थे कुछ देर के लिए, तो घर में कोई वीडियो शूट नहीं किया। तो इन्होंने यहाँ पर ये थोड़ी सी क्लिप वगैरह बनाई थी। और ये देखिए यहाँ पर गाय भैंसों का तब ये है, तो यहाँ पर ये सब वीडियो वगैरह बना रहे थे। और ये देखिए होली कितने अच्छे से इंजॉय कर रहे थे बच्चे। और देखिए यहाँ पर फटाफट से चाय वगैरह पीने के बाद, तो हमने नाश्ता वगैरह नहीं किया था, तो इस वजह से इसके पापा बोलने लगे कि अभी नाश्ता और खाना एक ही बार ही बना लेंगे। और ये ले आए थे बैंगन और प्याज, तो यहाँ पर भरता बना रहे थे हम बैंगन के।
तो इन्होंने बोला था कि फटाफट से बैंगन का भरता बना लो और रोटी एक साथ बनाकर अभी खा लेंगे, तो ये नाश्ता और खाना एक साथ हो जाएगा, क्योंकि टाइम भी हो चुका था तो 10:30 वगैरह बज चुके थे। तो फटाफट से अपने आने के बाद चाय वगैरह जो पी और घर की क्लीनिंग वगैरह करते करते 10 बज चुके थे हमें, तो 10 बजने के बाद फटाफट से मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया था। और यहाँ पर देखिए बैंगन मैंने छील कर रख लिया था, तो वंशिका कर रही है बैंगन की कटिंग, क्योंकि बैंगन को काटना पड़ेगा और इसमें ख़राब वगैरह निकलने का डर रहता है, इस वजह से बैंगन को हम काट कर उबाल कर बनाएंगे भरता, क्योंकि इसको भून कर तो अच्छा बनता है लेकिन वो बात नहीं आती, फिर डर रहता है कि कहीं इसमें कुछ ख़राब वगैरह कीड़ा वगैरह ना निकल जाए। तो पर ये भी बैंगन अच्छा था और देखिए बहुत ही बड़ा बैंगन था, इस वजह से फटाफट एक ही बैंगन में हमारा काम हो गया। तो हमने फटाफट से यहाँ पर कुकर में डाल दिया है बैंगन को, धोकर अच्छे से काट लिया था वंशिका ने, और धोकर डालने के बाद थोड़ा सा इसमें डाल दिया है पानी, और इसके बाद इसको एक सीटी लगवा लेंगे हम फटाफट से। और यहाँ पर मैंने प्याज टमाटर हरी मिर्च भी काट कर रख ली थी, मटर भी डालते तो अच्छे लगते पर मटर इस टाइम नहीं थे, और मटर आ भी रहे हैं तो इतने अच्छे मटर नहीं आ रहे, इस वजह से मटर नहीं ला रहे थे। और यहाँ पर मटर से मैंने आटा भी लगा लिया रोटी बनाने के लिए। और यहाँ पर देखिए हाय प्याज टमाटर हरी मिर्च भी भून रहे हैं एक तरफ, और इस तरफ रखा हुआ है बैंगन भूनने के लिए। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी से बना लूँगी खाना, क्योंकि खाना वगैरह बनाने के बाद ये सब बच्चे वगैरह खा लेंगे और मम्मी की तरफ भी भेजना है। और खाना वगैरह बनाकर मुझे करनी थी आज कृष्णमन जी के कपड़े जो उनसे धोए थे, तो उनको भी समेट कर रखना था, तो मैंने मंगाया था मम्मी की तरफ से ट्रंक, तो पुराने वाला रखा हुआ था मम्मी का, तो उसमें डालकर सामान वगैरह रख दूँगी कुछ। और यहाँ पर देखिए फटाफट से मैंने तोड़ लिया था धनिया भी सब्ज़ी में डालने के लिए, पर सब्ज़ी बनाने के बाद धनिया डालना याद नहीं रहा और जल्दी जल्दी में खाना वगैरह बना कर दे दिया। और यहाँ पर मैंने फटाफट से खाना बना कर खा भी लिया था, सब कुछ कर लिया था, लेकिन धनिया डालना याद नहीं रहा तो बिल्कुल ध्यान में ही नहीं आया। और यहाँ पर बनाऊँगी शक्कर की चाय, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा दूध रखा हुआ था, तो यहाँ पर रखती है चाय बनने के लिए, तो शक्कर की चाय इनको बहुत अच्छी लगती है, और अभी शक्कर भी आ रही है तो इसलिए तीनों टाइम ही शक्कर की चाय पीते हैं। तो यहाँ पर देखिए फटाफट से आटा भी हमारा अच्छे से सेट हो गया है, और यहाँ पर प्याज हमारे भुन गए थे तो इसमें टमाटर डालकर, और यहाँ पर देखिए शक्कर ये कली लाए थे पन्नी में ही रखी हुई है, और यहाँ पर पत्ती भी डब्बे वगैरह मैंने धो दिए थे चीनी पत्ती दोनों के ही, तो इस वजह से और मैं चीनी की जगह डब्बे में शक्कर डालकर रख लूँगी। देखिए यहाँ पर सारे प्याज मैंने कट कर लिए थे, और टमाटर भी कट करने के बाद इन दोनों को हम अच्छे से लेंगे भून, और इन दोनों को भूनने के बाद इसमें हल्दी तो नहीं डलेगी, तो इसमें मैंने नमक मिर्च और थोड़ा सा धनिया गर्म मसाला वगैरह डाल दिया था पहले ही। और ये देखिए बैंगन भी हमारे उबल कर अच्छे से हो गए हैं तैयार, तो इनको हम प्लेट में निकाल लेंगे ताकि अच्छे से ये मैश हो सके। और इन दोनों को मैश करने के बाद कुकर को रख दूँगी पानी में से निकाल कर, बाद में बर्तन जब करेंगे साफ तो तब कर लेंगे इसको। और अभी फटाफट से सब्जी रोटी वगैरह बना लेते हैं, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका था। और यहाँ पर हमारी सब्जी रोटी वगैरह फटाफट से बन गई थी, देखिए यहाँ पर चाय भी बन गई है शक्कर वाली, और शक्कर की चाय भरता और साथ में पराठे, तो आ जाइए आप लोग भी जिसके मुँह में पानी आया हो देख कर। और यहाँ पर देखिए खाना वगैरह खाने के बाद बच चुके थे हमारे 12, और ये भी जा चुके थे, और बच्चे भी अपने अपने काम पर लग चुके थे। और किचन की हालत देखिए खाना वगैरह खाने के बाद इतनी ज़्यादा फैल गई थी, तो यहाँ पर रखी हुई थी थोड़ी सी कटोरी में कल की दाल, और ये देखिए भरता ना टेस्टी बना था कि भरता थोड़ा सा ही बचा है, तो ये अगर किसी को खाना होगा दोपहर में तो काम आ जाएगा, और बाकी रात को देखते हैं क्या बनेगा। और ये देखिए यहाँ पर बर्तन भी कितने ज़्यादा फैल गए हैं, तो इस वजह से फटाफट से मैं कर लूँगी पूरा किचन क्लीन, क्योंकि इसको देख कर तो आराम से बैठा नहीं जाएगा, इसलिए फटाफट से पहले पूरा किचन क्लीन कर लेंगे और उसके बाद करेंगे हम अपने कपड़ों का, क्योंकि कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और कपड़ों को सेट करना है, तो सब धुले हुए हैं कपड़े तो उनको लगाने में टाइम लग जाएगा। तो इस वजह से अभी मुझे सर्दी के कपड़े वगैरह रखने हैं समेट कर, और बहुत ज़्यादा फैले हुए रखे हैं। यहाँ पर देखिए फटाफट से वगैरह सारे ने अच्छे से दिखा दिए हैं आपको कि कितने ज़्यादा फैले हुए रखे हैं, और ये भरते के लिए कुकर वगैरह जो भी खाली हुआ था आटा गूंद हुआ था तो चिमटी वगैरह सभी बर्तन रखे हुए थे। और ये देखिए यहाँ पर कूड़ा रखा हुआ था, सुबह में झाड़ू लगाई थी तो बच्चों ने कल क्राफ्ट बनाया था तो उसी का ही ये कूड़ा रखा हुआ था। और अभी मैं कर लूँगी फटाफट से अपने सारे बर्तन क्लीन, तो यहाँ देखिए मैंने फटाफट से सारे बर्तन क्लीन करने स्टार्ट कर दिए हैं। तो कपड़े वगैरह ऐसे सूट पहन कर सुबह में बस मंदिर जाने के लिए पहन लिया था नहा कर, और वो पहन कर काम वगैरह नहीं हो पाता, मतलब आटा वगैरह गूंदना हो तो पेट रख कर सारा खराब वगैरह हो जाता है,
और इस वजह से फटाफट कपड़े वगैरह चेंज करके उसके बाद में काम करना स्टार्ट किया था बाकी। और थायराइड की वजह से वैसे ही शरीर इतना ज़्यादा फूल गया है तो पेट भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इस वजह से स्लैब से पानी वगैरह वगैरह लगता है तो कपड़े वगैरह सारे गंदे हो जाते हैं। और थायराइड की दवाई भी चल रही है पर अभी कुछ भी आराम वगैरह नहीं आ रहा है। और फटाफट से लगा लूँगी धोकर बर्तन सारे, और उसके बाद पूरा किचन क्लीन करने के बाद कर लूँगी फटाफट से और काम। तो यहाँ पर देखिए फटाफट से धो लूँगी अपने सारे बर्तन। और देखिए फटाफट से सारे बर्तन वगैरह किचन वगैरह पूरा क्लीन हो गया, और अभी देखिए कितना अच्छे से चमक रहा है। तो मैंने फटाफट से सारा बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद किचन बिल्कुल क्लीन कर लिया है, और अभी मैं लगा लूँगी एक बार और अच्छे से छाए में झाड़ू। और झाड़ू वगैरह लगाने के बाद फिर फटाफट से कर लूँगी और काम। यहाँ पर खाना वगैरह खाने के बाद मैं गई थी यहाँ पर थोड़ी देर सो, तो काफ़ी देर आराम करने के बाद अब मुझे लगा कि वीडियो का भी एंड कर देना चाहिए और अपना दूसरा काम करनी थी इन कपड़ों की तय। और वो कपड़े भी देखिए वहाँ पर रखे हुए हैं, तो सर्दी के कपड़े हैं तो ट्रंक में लगाने हैं, और बाकी के कपड़ों को भी रखना है। तो देखिए वहाँ पर रखा हुआ ट्रंक, तो मैं उठाई थी तो ये कान्हा जी का ही है, तो इसमें कान्हा जी के कपड़े वगैरह रख लेंगे इन सर्दियों के, जो कि धुल चुके थे मैं धोकर रख लिए थे। और इसके बाद मुझे अपने सर में तेल भी लगाना है और इन कपड़ों को भी रखना है। तो ये देखिए कितने सारे पड़े हुए हैं, और इन सब कामों को करने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं फटाफट से कर लूँगी सभी काम। और आई होप आज का वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।